अरे लल्ला बेटा पूरिया ले आओ, पूरिया लाए रे पापा। पहले जबाली तो खा लूं। खाओ खाओ खाओ। वैसे समधिन जी, सुना है आपको परसों जुकाम हो गया था। मतलब ये खबर सुन के ना चिंता से मेरी तो जान निकलते निकलते बची है। अरे समधी जी काय रोक लिया, निकलने देते। क्या मजाक करते हैं आप। मतलब आपके जो मजाक करने के अंदाज है ना, इस पे मैं फिदा हो गया, मुझे बहुत पसंद है। लव यू। अरे मतलब मजाक करने के अंदाज को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जवान जी खाओ। हाँ जी रे, गर्मा गर्म पूरी। लल्ला बस अम्मा बस। समधी जी, आपके परिवार के बारे में जान के बड़ी खुशी हुई। आपके माता पिता के बारे में तो पता ही है, आपके दादाजी क्या करते थे? अरे समधन जी, अब दादा परदादा के बारे में क्या बताऊं। हमारे पूर्वज जो थे अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे। अंग्रेजों के यहाँ। अच्छा। अरे क्या काम करते थे? का अरे भाई, अंग्रेजों के जूते के तलवे बनाते थे। बड़ो कमाल को काम करते, बड़ो महान काम करते थे भाई। वाह। एक कट्टो रानी, ये भूखे को बताओ कि मेरे पिताजी क्या करते थे। हाँ हाउ हाउ बताते हैं। समधी जी, आपको पता है कि हपुआ के दादा हमारे ससुर का काम करते थे? क्या करते थे? बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हते। चांद सिंह नाम सुनो है ना? नहीं सुना। क्लास ना गए कभी, हिस्ट्री ना पढ़ी। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी आते। उनके खौफ से अंग्रेज लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते थे। अच्छा। हपुआ के डोकर ने बताया उनके बारे में। वैसे समधन जी, खैर मैं समधी जी से पूछ लेता हूँ। वैसे समधी जी, आपके पूर्वज खर्चा पाने के लिए कुछ काम भी करते थे या बस लड़ाई ही लड़ते थे? हैं कट्टो, इसे बताओ कि इसके दादा जो अंग्रेजों के जूते बनाते थे ना, उन्हीं जूतों से मेरा बाप अंग्रेजों को पीटता था। बता रहे हैं तुम्हारे समधी जी, बोल रहे हैंगे कि जो जूते तुम्हारे दादाजी बनाते थे ना, उन्हीं जूतों से अंग्रेजों की सुताई करते थे, पेलते थे उन्हीं जूतों से। देख मार, देख मार। नहीं, मतलब घर का खर्चा कैसे चलाते थे ये पूछ रहा हूँ। ये बताओ गरीब को कि हम बहुत रईस है। खर्चा पानी तुम्हारे जैसे लोग सोचेंगे। हमारे ससुर की तो बड़ी जमील जायदाद हती। अब शर्म ना आ रही समधी जी? तुम आजादी से जो सांस ले रहे हो ना, हमारे ससुर ने जो बलिदान करो, त्याग करो, वही के लाने, वही की वजह से ले रहे हो। हपुआ के दादाजी अंग्रेजों के तलवे ना चाटते हते। हमारा मतलब है बनाते हते तुम्हारे दादाजी की तरह। पापा ठंडा ना है तुम्हारे लाने? ना लल्ला, कुछ नहीं चाहिए, पेट भर गया। तुम कचू लाओगे? बड़े जल्दी सोने की तैयारी हो रही। अरे दादा। हाँ, तुम्हें खुश कर दें। आओ, तुम्हें खुश कर दें। हटो, नजदीक नहीं हमारे, मुंह धोच देंगे। तुम आओ, खुश कर दें। कछु नहीं तो ऐसे कुप्पा जैसे जो मुंह का फूल हो। कछु तो होगा तभी तो पूछे रे, कब होगा? कह दिए ना कछु नहीं, मतलब कछु नहीं। छोड़ो, सौ की सीधी बात, छोड़ो। चलो अब ऐसी बोल दो, करो फिर। ओ दादा, अरे ये किस टाइप की औरत हो यार तुम? वही टाइप की जो टाइप की तुम समझ रहे हो। स्वार्थी आदमी है। हाँ, एक बार बोल दिया कि नहीं कछु नहीं कहो मतलब नहीं तो सीधे बिस्तर पे हमसे हमारी जान जा रही है, तुमको नींद आ रही है। अरे दादा तो तुमने बोली हमसे जोर दे के बोलो, जोर दे के बोलो, हमने जोर दे के भी बोलो, अब तुम्हारे हाथ जोड़ रहे पाँव पकड़ रहे, अब बताओ क्या होगा वो? ये भी हमें बताना पड़ेगा हैं? हैं? तो कहते भूत बताएगा, तुम्हें तो बताओगी अगर तुम नाराज हो तो। किस टाइप की हेडलाइट जैसी आंखें किस लिए है? तुम ऐसे खड़े थे ना जब तुम्हारी अम्मा हमारे पापा की आरती उतार रही थी ताने दे दे के, काहे नहीं बोले तुम कुछ? अब समझ में आओ, ओके अब समझ ओ दादा ठंडी हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे यार भी बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई, उनने कह दई। तुम तो अम्मा को नेचर जानती हो ना, इनमें कतम तमाने हैं, तुम बिल्कुल जल तो बहुत बलब हो रही हो, तुम शांत हो जाओ। हाँ यही बात तुम अपनी अम्मा को कह देते कि शांत हो जाओ, तुम्हारी अम्मा कह रही तो सब शांत, हम कहें तो जलती हुई बलब। क्या जरूरत है हमारे पापा को ऐसे खरी खोटी सुनाने की? गलत है उनकी तरफ से, हम माफी मांग रहे, अब छोड़ो छोटी सी बात है मट्टी डालो, आओ चिपक के सोए यार। छोटी सी बात, जो छोटी सी बात है हाँ मट्टी डालें? नहीं मतलब नहीं तो हमको एक बात बताओ, यही बात हम तुम्हारे पिताजी को कहते और उसके बाद में हम कहते कि छोड़ो जाने दो रहने दो हो गई मट्टी डालो, तब भी तुम यही कहते हैं? नहीं कहते ना, जो हमारे पापा को कहते छोटी सी बात मट्टी डालो। मतलब हमने सोची है बड़ी बात, लेकिन हमने ऐसे बोलने के लाने बोल दी छोटी बात, हमें पता है कि ठीक नहीं है, शर्मिंदा है हम। हाँ इतना शर्मिंदा है उतना तो दही जम गई थी, बोलना निकला अपने अम्मा के सामने। क्या जरूरत थी तुम्हारी अम्मा को हमारे पापा कैसे इंसल्ट करने की? हमारे दादाजी अंग्रेजों के जूते के तलवे बनाते आते, तलवे चाटते नहीं आते। ठीक है अब तुम सो जाओ, अम्मा हमारी कलेश ना करो। अच्छा हम कलेश करते, हम करें तो कलेश, इनकी अम्मा करे तो सत्संग। अरे काय को सत्संग, ये देख लो कर दो हड़कंप तुमने, अब वो लौंडा जग गो, अब कौन संभालेगो? तुम संभालो, हम कब पगलाएं का? सारू दिन में थाने देखे तो घरे आके लौंडा पाड़ी भी देखे, तुम कछु ना करियो। अरे चिल्ला रहा है वो तो क्या करे? हाँ अरे देखो ना यार, हम नहीं देखेंगे तुम जाके देखो। अरे तुम अबे तो संभालो। ओ दादा हम नहीं संभालेंगे, दिन भर किस टाइप की हरकत है? वही टाइप की जो तुम करते हो हमारे साथ तो। अरे तुम्हारे अंदर ममता नाम की चीज है कि नहीं ना? अरे रो रहा है लौंडा। ओ दादा अरे आ गए। अरे बेटा मम्मी ने कान में ये डारी, बाप ने नहीं डारी, तुम चिंता ना करो। चुप हो जा। बेटा हमने कान में उंगरिया तो न डाली, तुमने हमारे मुंह में खारी खारी पिचकारी डाल दी। खैर कोई नहीं, अपनो होतो है दादा। वाह इतनो अपनो नहीं होतो, तेरू टैंकर फूलेगा। वाह इस बात में तो चाय बनती हैगी। बाहू चाय आज की तारीख में मिलेगी कि मंदिर में जाके बैठ जाए? ओ माय माँ चाय छोड़िए, अभी जमाना चेंज हो चुका है, पब्लिक यहाँ से चांद तक जा रही है, आप चाय पट के हो। कॉफी यस जरा दिखा। इट्स टू हॉट वेरी हॉट। अरे कॉफी तो बहुत अच्छी होती है, तूने शक्कर भी डाल दी थी कोई। सुन आज ये चश्मा और टाई लगा के किधर जा रहा हुआ है तू? एक्चुअली ग्रैंडमा मी ओपन माय ओन चैनल ऑन द एयर ऑन द सैटेलाइट ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म आईडी। कितनी बार गाऊ है कौए, हमारे साथ हिंदी में बोलो कर। ओ माय माँ मैं ये कह रहा था, मैंने ना चैनल खोला है, हवा में ऊपर इंटरनेट 5G। तूने? हाँ। खुद को चैनल अपना बताओ, नाम का बताओ। खोल दे पोल विद हैंडसम कमलेश के साथ। हैंडसम तो ठीक है पर नाम हमें कुछ जम ना रहा हुआ है। ए, आओ कलेश न्यूज रख ले। तूने करनो का है, बाहर से घर घर में कलेश ही मचाना है ना। कैसे गई? कैसी भी गई पर मेरे लिए अच्छी गई। because you are my पूर्वज, all everything, you are my grandma. Just taking blessings. हिंदी में जो भी आप कहेंगी ना, आप ऐसे चप्पल घुमा के भी मारेंगे ना चप्पल, मैं आशीर्वाद समझूंगा आपका। न्यूज ठीक, बच्चे आपके टाइम पर नहीं आते हैं। किडोस! अरे बाप पे गए हैं अपन। गुड मॉर्निंग दादी। आए ले आए, चिल्लाओ नहीं, सबके सब एक साथ ही बोलना शुरू करो। अम्मा तुम्हारी चाय। कोई जरूरत ना है, हम काफी पी रहे हैं। दादी आज आपसे आशीर्वाद चाहिए, हम कैसे भी करके बस पास हो जाए। आज परीक्षा है? अरे नहीं नहीं दादी, आज ना इंग्लिश का रिजल्ट आने वाला है। फिर तो आज डांट खाने को देना है बेटा। है? ना ना दादी, आप गलत बोल रही हैं। मतलब? मैं तो अंग्रेजन की छक्की को छुड़ा दूंगा। तुम्हारे पर्चे अगर गलती से अंग्रेजों ने पढ़ लिए ना, तो अपने जो कब्रों में उन्होंने मुर्दे दफनाए हैं ना, वो सब जाग जाएंगे, लौटने लगेंगे। Good morning everybody. Good morning. नमस्ते भी कर लिया कर कटोरी। दादी नमस्ते। जे तुम रैकेट लेके कहाँ जा रही हो? स्कूल नहीं जाने को? मेरा मैच है मम्मी। खाने में कुछ बढ़िया सा दे दे। बेटा तुम अपना मेनू कार्ड ना रात को ही दे दिया करो। अच्छा सा कुछ दे दो, जो बनाए लेके जाओ। चलो जल्दी करो। अरे दादा, अरे यार छोले ना बनाओ करो रोज। अपू एक बात बता, तू बाथरूम में फ्रेश होने जाते हो कि सोने जाते हो? अरे ना ना अम्मा, लेकिन कसम से कह रहे खोपड़ गया, ठंडी आ गई आज, मजा आ गयो। तो सुन, सरकार ने घोषणा करी है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालन को पेंशन मिलेगी। फार्म भर दो और साथ में अपने दादा की फाइल भी लगा दियो। हाँ लगा देंगे। अबे हम जा रहे थे ना, तैयार होकर था नहीं है, जा रही। किडोस फटाफट चलो। Okay, we also going. Bye grandma, bye mothers. Bye bye. अच्छे से पढ़ो। Bye bye. इसको कहते हैं कर्मों का फल। काश कुछ के पूर्वजों ने भी अच्छे कर्म किए होते, अपने देश के लिए बलिदान करो हो तो फल भोगते, मगर नहीं, अफसोस। जवाब ना दो ना से बेटी ने। अच्छा ही हुआ, जवाब देती तो नींबू ना निचोड़ देते हम बाकी। हम कम थोड़ी है, हमारे ससुर स्वतंत्रता सेनानी और हम झांसी की रानी। वाह क्या बात है। अच्छा मनोहर। यस सर। तुमको पता है हमारे दादाजी कौन आते? दादाजी किसके हैं? हमारे। तो पता किसको होगा? हमें होगो। और कौन को होगो? हमारे दादाजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है थे। अंग्रेजन को मतलब छठी को दूध याद दिला दो तो। बहुत बड़े अव्वल नंबर के नेता आते, उन्होंने देश की लाने खून बहाओ, कई बार तो जेल की यात्रा पर गए। सिर्फ यात्रा की, अंदर रुके नहीं। नहीं रुके, अरे कोड़े खाए, डंडा खाए, अंग्रेजन ने खूब पेलो, तोड़ के रख दो। लेकिन हमारे दादाजी नहीं टूटे, उनने देश के कानून राज नहीं बताए। मतलब के पीढ़ियों से ही आप भेंट थे। मेरा मतलब सर, क्या दादाजी थे सर आपके? आपको तो उन पर बहुत गर्व होता होगा ना सर। जिनके ऐसे दादाजी होंगे उन्हें गर्व का ही नहीं होगा। सर छोड़, जो बता तेरे दादाजी का करते थे। सर पिताजी ने बताया था कि मेरे दादाजी अंग्रेजों के बाल बनाते थे, मतलब शेविंग करते थे सर, हेयर कट कराते थे। चाय मंगवाए। बारिश हो रही है, बड़े ठहाके लग रहे हैं। अरे क्या हो रही है भाई साहब? आपको पता है मनोहर के दादाजी अंग्रेजन के बाल बनाते थे। तो भाई इसमें बुराई क्या है? ये बेटा पेशा है, इसमें हंसने की क्या बात है? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बताओ अंग्रेजन के काय बनाते थे, हिंदुस्तानियन के काय नहीं बनाते थे? उनके भी तो बाल होते थे। काली काली घनी घनी सफेद बाल बनो। एक बार मेरे दादाजी ने एक अंग्रेज अफसर का गला भी काट दिया। किस तरह से? उस तरह से, क्योंकि वो भी इनकी तरह कुछ बकवास बातें कर रहा था। और उसके बाद मेरे दादाजी बागी हो गए सर, और अंग्रेजों ने उन पर इनाम भी रख दिया था, वो भी पूरे 2.5 रुपए का। बता रहा हुआ डरा रहा हुआ? वैसे 2.5 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, बहुत जमाने में बड़ी थी। मनु और सुन, यस सर, तू जा बेटा तनक अभिलेखागार जा, कानपुर के अभिलेखागार जा और तैसे हमारे दादाजी की, पूज्य दादाजी की फाइल लेके आ। ओके सर। वैसे तुम्हारे दादाजी का नाम क्या था साहब? उनको नाम तो स्वतंत्रता सेनानी चांद सिंह। चांद सिंह, ठीक है। नाम तुम्हें कुछ शायराना नहीं लग रहा है? वो कहीं अंग्रेजों के महफिल में शेर तो नहीं सुनाते थे? तो क्या महफिल में शेर सुनाते थे? ना ना सर, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थी, अंग्रेजों से डट के मुकाबला करो, उन्हें छट्टी को दूध याद दिला दो। फाइल आने दो, सब पता चल जाएगा अब का कैसी का कारनामे करी उनने। ये लीजिए सर, आपके दादाजी यानी चांद सिंह जी की फाइल। बहुत पुरानी है। ओके। एक अलग टाइप की खुशबू आ रही है जब डायरी में से, मतलब आजादी की खुशबू। पढ़ो जा में लिखू है सर। हाँ। चांद सिंह, जिनका एक नाम बागी भी था, अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। आई लव दादाजी। धीरे धीरे चांद सिंह बागी से दागी चांद सिंह कहलाने लगी। दागी क्यों सर? हो सकता है कि वो कहा है कि अंग्रेजों पे अंधाधुंध फायरिंग, मतलब गोलियां दागते होंगे ना, इतनी गोलियां दागी कि उनको नाम दागी चांद सिंह पड़ गए। चांद सिंह कुछ नहीं दागते थे, उनको नाम दागी इसलिए पड़ो क्योंकि उन्होंने अपने देश से गद्दारी धुंधलू धुंधलू से लग रहा हो, आगे दिखाई ना रहोगे। गद्दारी वाली क्या लाइन थी? मुझे पढ़ना है। हम पढ़ रहे। वो कुछ नहीं दागते थे, उनका नाम दागी इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपने देश से गद्दारी और अंग्रेजों की जी हुजूरी कर करके अपना चरित्र, अपनी इज्जत पे दाग लगा दिया था। और पोता कहता है कि वो बागी थे, असल में तो दागी थे। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं लिखा। ये क्या है ब्रो, सिर्फ 12 नंबर? मैंने तो कितनी ज्यादा मेहनत की थी, इतने कम नंबर कैसे? का मजाक कर रहा है, तुमको 12 में नहीं है, तुमको तो 5 मिले हैं। अबे ओ, नकल करने में कौन सी मेहनत? जो मैंने एग्जाम के टाइम पे अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करके अलग अलग एंगल में घुमाई है और अपनी आंखन को 12 फीट दूसरे लड़का की आंसर शीट में जो आंखें दिखाई हैं, बाबा मेहनत ना लगती है? अबे तुम लोगों का समझ में आता है, लेकिन मेरे 11:30 क्यों आया है, मुझे ये समझ नहीं आया। मैं तो वही सब लिखा था जो ऋतिक ने लिखा है, फिर आधा नंबर कहाँ गया? तेरी हैंडराइटिंग गंदी है ना इसलिए। कार नाम का चीज है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऋतिक, रणवीर, चमची, कम हियर। तो भी एक बच्चे के पास होने जितना नंबर नहीं है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सर ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? सर वो क्या है ना, आज के बाद हम अंग्रेजी में मार्क्स लाएंगे ही नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हम अंग्रेजी में मार्क्स लाना ही नहीं चाहते। क्यों? बगावत की वजह से सर। हमें अपने परदादा पे गर्व है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, आज से हम ये शपथ लेते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा को उपयोग ना करेंगे और अंग्रेजी भाषा को बहिष्कार करेंगे। वजह जान सकता हूँ? वजह हमें थोड़े दिन पहले ही पता चली है। हाँ। हमारे जो परदादा जी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए हम अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना चाहते हैं। हाँ सर, आप ही बताइए, उन्होंने हमें आज़ादी जाके लाने दिलाई कि हम अंग्रेजी भाषा को उपयोग करें। बताइए ना, बताइए। जाके लाने आज से हम अंग्रेजी भाषा को उपयोग ना करेंगे, वहाँ में वार्तालाप ना करेंगे। अंग्रेजी भाषा हाय हाय, अंग्रेजी भाषा हाय हाय, अंग्रेजी भाषा हाय हाय। बहुत होगा सम्मान अब इनकी। अरे रुक जा भाई, कंट्रोल।